पैसा मांग रहे पैसा तो बोले जेब में डालता हूँ मेरा, वो है ही नहीं पैसा, क्या देगा। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज पॉल ओटियानो मोहानो। सो यहाँ पे अहमद भाई मिले हैं बॉर्डर क्रॉस करते ही। अहमद भाई इंडिया में 12 साल रहे हैं, हिंदी भी बोलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अहमद भाई इतनी मीठी मीठी बात करो। गोया पीछा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं जिंजा में हूँ और सुबह के 7:50 हुए यहाँ पे, और इंडिया में करीबन 10:30 हो गए। तो इसी जगह पे मैं रुका था और अकेला मैं ही था, कोई नहीं था, बच्चा भी यहाँ पे, ना तो कोई टूरिस्ट है ना कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे नील नदी देखनी थी तो मैं यहाँ पे आया था। और अब मैं यहाँ से कैन्या निकल रहा हूँ, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। तो ये भाई साहब इधर रहते, थैंक यू। ओके अभी हम चलते हैं बोड़ा बोड़ा पे, राउंड अबाउट पे, और आपको दिखाते हैं केन्या तक की जर्नी। मेरे पास ईस्ट अफ्रीका वीज़ा है लेकिन मैं उल्टा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो शायद मुझे एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है, पूरा विवरण आपको सुनाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। की टैक्सी मिल गई है तो मुझे ले जाएगी 100-120 किलोमीटर के आसपास है, और मैं यहाँ पे खड़ा रहा हूँ। उससे अच्छा ये है कि मैं किसी टैक्सी में बैठ कर निकल जाऊँ। 20,000 मतलब करीबन $6 के आसपास है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यार, इतना तो ठीक है यार, तो जल्दी जितना पहुँचूंगा वो बेटर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टैक्सी में बैठ गया। वही कल वाली जैसी है, तो बोलते डाला। मिले सिंग ही सही, बेचारी आंटियाँ यहाँ पे सस्ते में बेच रही होती हैं, तो सिंग लेके कभी गुजारा हो सकता है, तो मैंने सिंग खरीदा है, अभी इसको खाऊंगा। क्योंकि सुबह यहाँ पे चाय नाश्ता कुछ भी नहीं मिला। यही है भाई ट्रैवलर की लाइफ, तो नए कपड़े है वो शौक नहीं होता है, बस घूमना शौक होता है। कुछ लोग कभी कभी पूछते भी है भाई तुम कपड़े नहीं बदलते, वैसा नहीं होता भाई, कपड़े धोने के भी टाइम नहीं होते, तो जो कपड़े ज़्यादा चलते हैं उसको पहनते हैं, बस चलती रहती है गाड़ी। अभी एक जगह पे रुके हैं, यहाँ पे देखो महिलाएं कोयला बेच रहे हैं, कोयला शायद ट्रक वगैरह वाले खरीदते होंगे, खाना वाना बनाने के लिए वो रखते होंगे सब कुछ। और अभी हम एक टाउन में खड़े हैं कुछ देर के लिए, यहाँ पे टैक्सी, और यहाँ पे देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, और यहाँ के हाईवे है, ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा की, यहाँ पे भी है। महिला यहाँ पे केला बेच रही हैं, कुछ दुकानों पे काम कर रही हैं, सब अलग अलग तरीके, कोई रुमाल बेच रही हैं, कोई कुछ बेच रही हैं, और सिक्योरिटी गार्ड देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़े बड़े गनमैन। घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए बुसिया, उसके बाद सीधा केन्या। और यहाँ पे ट्रकों की लाइन लगी हुई है, 2-3 किलोमीटर लंबी, हर बॉर्डर पे होती वैसे ही, लेकिन केन्या में ज़्यादा लंबी है। पहुंच गए बुसिया, और यहाँ आते ही लोग आपको छाट लेते हैं। तो अभी हमारा ग्राहक ये है 2000 में, और पूरा सफर करवा देगा। What's your name? Yes. What your name? My name is Thomas Onjinjo. Good. Yes. Let's go. So we going that side. I will take you that side. Okay. तो भाई ये हमारे को छोड़ेंगे, और इनके शर्ट को देखो कुछ। Let's go, bro. Okay. That is the phone. Oh, it's a camera. Yeah. Okay. Now in Bushia town. Yeah, now in Bushia town. With you. Hey. What's your name?
My name is Thomas Onjinjo. Okay. Yes. So Thomas है वो मुझे border के उस तरफ छोड़ देगा Kenya immigration पे. I'll take migration stamp that side. Yeah, that side. Okay. और 2000 लेंगे 2000 means करीबन 70 रुपए के आसपास. तो चलते हैं. You are from Kampala? No, bro. I am from India. India. Yeah. India's okay. What is good in India? Yeah, India is so good. What have you brought for us from India? So, भाई $20 घूस देने के बाद केन्या में एंटर हो चुका हूँ. केन्या में एंटर होने के लिए 20 से 25 डॉलर घूस देनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास जो वीज़ा था वो मैं आने वाला था बाई एयर. तो फिर वो बोले कि आपको एयर से ही आना पड़ेगा, आप $50 घूस दीजिए. फिर मैंने जैसे तैसे रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला भाई इतना ही पैसा है मेरे पास, तुम लेके इस मैटर को सुलटा दो. तो फिर मैंने इतना ही दिया और काम ख़त्म. अब मैं आ गया उस तरफ, वो भाई अभी भी इधर बॉर्डर क्रॉसिंग वाला भाई, बड़ा बड़ा वाला भाई है, वो पूरा प्रोसेस करवा देता आपको इधर से उधर जाने तक पूरा. तो अभी मैं केन्या में आ चुका हूँ और यहाँ से थोड़ा पैसा विड्रॉल करता हूँ, क्योंकि किराया देना पड़ेगा. मेरे पास किराया भी नहीं होता, डॉलर है, लेकिन डॉलर से मैं नहीं चाहता. तो मैं चाहता हूँ कि कोई बैंक से विड्रॉल कर लो. चलते हैं फिर बैंक में. सो भाई अभी केन्या में मैंने बैंक से पैसा भी विड्रॉल कर लिया, 10,000. पता नहीं चार्ज लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता, लेकिन विड्रॉल कर लिया 10,000 रुपये के आसपास. और यहाँ पर मुझे लगता है 125 रुपये के आसपास एक प्राइस है. और अभी हम यहाँ से बस पकड़ते हैं बोड़ा बोड़ा, वापस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं. और बॉर्डर पे से फिर हम निकलते हैं किसी और सिटी के लिए, किसुमा. केन्या में आपका स्वागत है दोस्तों. और आई विल गिव यू. तो भाई केन्या में आपका स्वागत है. केन्या में अभी पहली चाय, ये फर्स्ट इम्प्रेशन आपको कह सकते हैं. ये देखो यहाँ पे मिल्क टी मिल रही है और दे हैव ए चपाती. यस, सो अभी चपाती खाते यहाँ से किसुमा में, बुसिया में, और इसके बाद यहाँ से बस में बैठते हैं, क्योंकि खाना पीना जरूरी है. और हाउ मच द टी चार्ज? हाउ मच? 30 सीलिंग. 30 सीलिंग का मतलब कितना होगा मेरे हिसाब से? 30 सीलिंग मतलब 30 रुपये के आसपास ही होगा, उसके आसपास ही, क्योंकि एक डॉलर का भाव 125 रुपये के आसपास है. तो पीते हैं चाय वाय, नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं. और ये सब जितना भी काम काज है सब बड़ा बड़ा वाले भाई कर लेते हैं, उनको आप 1,500 एक्स्ट्रा दीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व. कोई दिक्कत नहीं, बैंक, चाय, नाश्ता, बस सब कुछ आपको बता देंगे. केन्या में यहाँ पे टीम हमारा वीडियो, केन्या में हमारा वीडियो चल रहा है. देखो भाई यूट्यूब पे, यहाँ पे इंटरनेट से वीडियो देख रहे हैं, तो भाई खुश है काफ़ी. सब लोग देख रहे हैं, सब लोग, ये भी. हुसैन भाई. ओके हुसैन भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू. हुसैन, आई नो हुसैन. कैसा है? कैसा है यार? मैं बढ़िया है. नाम क्या है? मेरा नाम वो देखो ना, बंसी. कहाँ है? वहाँ पे इंडिया. इंडिया? हैदराबाद. हैदराबाद से 2000 किलोमीटर. राजस्थान. राजस्थान. जयपुर. जयपुर. यस. आपका नाम क्या है? अहमद. अहमद भाई, आपको हिंदी कैसे आती है? I was in no problem. I was in India for 12 years. Really? In Hyderabad? No, Karnataka. Karnataka. Mysore. Yeah. Mysore? Yeah. Yeah, yes. I completed the Bachelor of Business Management. Really? From University of Mysore. What are you doing now? From University of Mysore. But what are you doing now? I was in New Delhi for 2 years, I think, and Hyderabad for 12 years total. Oh my God, it's good. So what are you doing? I know Rajasthan, they do camels. Kamal. Yeah. Rajasthan is a desert. Desert. Yeah, you also belong from. I know. Go. It's a clean. So you work for NDTV? No, I have my channel. I do for myself. It's a channel. Yeah, I post on YouTube and Facebook. You can buy those documentaries from Discovery Channel, History Channel, National Geographic. If you need a contact in Kisumu, yeah. Bhai Sahab, अभी हम बुसिया में हैं.
और बाइक वाले को हमने छोड़ दिया, अभी हमारे साथ भाई साहब है। आप, आपका नाम? अहमद भाई। वन मिनट, आई एम कमिंग। हां यस, तो अहमद भाई है? नो, आई हैव नो मनी। सो यहाँ पे अहमद भाई मिले हैं बॉर्डर क्रॉस करते ही। अहमद भाई इंडिया में 12 साल रहे हैं, हिंदी भी बोलते हैं। तो अभी मुझे चल रहे हैं सिम कार्ड दिलाने के लिए और उसके बाद किसुमो की बस पकड़ते हैं। सो ये बुसिया मार्केट है। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। मेरा इंडिया 12 साल है, 12 साल इंडिया में रहे। कर्नाटका मैसूर में, मैसूर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। वाओ, और अभी ये फ्रीलांसर का काम करते हैं। मेरा नाम अहमद हसन। जी जी, आप इधर बुसिया में रहते हैं? यस गुड। तो अहमद भाई अभी मेरी हेल्प करने आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सफारीकॉम, ही इज गोइंग टू टेक अ सिम कार्ड। या एंड देन ही विल गो टू किसुमो। किसुमो, थैंक यू। दिस इज बुसिया, द बॉर्डर बिटवीन युगांडा एंड केन्या। यस, एंड दिस इज ए लोकल मार्केट। हां, लाइक दिस इज स्ट्रीट मार्केट वेंडर। या ओके, ये इधर मार्केट है। और देखो, दिस काउंटी गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम। ए और रमा, the county government has destroyed those buildings. Oh, this building, illegal construction. Yeah, illegal, and that's why the people now are outside. Yeah, they are waiting for a solution. Oh, they also like no have a shop right now. The government will build new lockups. Ah, new shops, new complex. Yeah, so they will give the people back. Yeah. So this is a very common office. I think. तो वही border पे sim ले लिया मैंने सफारीकॉम की, जो 100 रुपये की सिम कार्ड हुई और 1000 रुपये का मैं रिचार्ज कराऊंगा तो उसमें 7 GB डाटा मिलेगा। सो दिस डाटा 7 GB, हाउ मेनी डे वैलिड? इट्स फॉरएवर, एज़ लॉन्ग एज़ यू फिनिश। ओके, जब तक तुम फिनिश नहीं करते तब तक उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। सो किसुमो के लिए यहाँ पे बस हम बुक कर रहे हैं, और ये छोटी ट्रेन है, 3 घंटे पहुँचा देगी। और बुकिंग ऑफिस पे जा करके और फ्रंट सीट ले रहे हैं, मतलब सेकेंड वाली, लेकिन ड्राइवर के पीछे कभी नहीं बैठना। भाई साहब, ये केनिया है, ये अफ्रीका है। ओ, गो है पीछा, गो है पीछा। ये देखो भाई बंदा। Don't worry, bedo, bedo ka. Yeah, I want here sitting, but is this bag is here? No problem. No problem. Okay. Yes. Go ahead, picture dear. To picture. Yeah, yeah. I record already. Continue. You take me the photo. Yeah, this one is the. And my find the you want a coach, a kitchen coach to a bed. You speak English? I don't know English. I need Zulu. Really? Yes. Oh, it's not. I want English. You want English? From, so which you are, time? You are brother from Obama. Don't carry baby. Baby, come here. पैसा पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए। अहमद भाई इतनी मीठी मीठी बात कर रहे थे और लास्ट में बोलते कि 300 रुपये दे दो। मैं भाई किस बात के, तुम अभी तो दोस्ती के हिसाब से घूम रहे हो तो लास्ट में बोले 300 रुपये दे दो। यार 300 रुपये कहाँ से लाने का? तो पैसा नहीं है भाई, आपको मैं 50 रुपये दे देता हूँ दोस्ती के हिसाब से चाय के लिए, बाकी ऐसा नहीं होता 300 रुपये। अभी ये टैक्सी में टिकट लिया, वो भाई बोल रहे कि पैसा दो 50 रुपये 100 रुपये, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पैसा नहीं होता भाई, ऐसे थोड़ी पैसा मिलता है, इतना मेहनत से कमाते हैं यार। फिर मैं अहमद भाई को बोल लिया, मैं ये कोई दोस्ती थोड़ी है यार, तुम मीठा मीठा बोल के फिर पैसा मांगते हो। फिर बोले ना नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रुकी हमारी, yes. भाई साहब मिले, देखो पैसा मांग रहे हैं। तो बोले जेब में डालता हूँ, मेरा है ही नहीं पैसा, क्या देखो। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज पॉल ओचेनो मोहानो। इज टू बिग नेम? यस, आई एम कॉलिंग रॉबिन ओचेन। ओके, व्हाट इज दिस विलेज नेम? दिस प्लेस, यस, सिडिनी। यस, इट्स गुड। अफ्रीका है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। गाड़ी में तब तक सेफ है, टोपी यहाँ पे उड़ जा रही है तो पहन नहीं रहे। बीस रुपये दे दिया यार, 20 सीलिंग मतलब करीब 15 रुपये। बेचारा अच्छा बंदा था, हेल्प हो जाएगी।
देखो यहाँ पे मोबाइल बेच रहे, छोटे छोटे मोबाइल बेचते हैं, ज्यादा बड़े मोबाइल यहाँ चलते नहीं है, सब छोटे यूज करते हैं। देखो लोग बेचारे बड़ा बड़ा चलाते हैं, फ्रूट बेचते हैं, ऐसे करके गुजरा होता है। सो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं किसुमो, जो केन्या की एक सिटी है। पहली सिटी में आया हूँ दो ढाई तीन घंटे का सफ़र करने के बाद। और यहाँ पे मार्केट है, बस स्टैंड है, और लोग यहाँ पे पीछे पड़ जाते हैं भाई। यहाँ के लड़के काफ़ी ख़तरनाक दिख रहे हैं, जैसे मुंह पे घाव वाव लगा हुआ है, जैसे फाइटिंग वाइटिंग करते हैं ऐसे। तो थोड़ा सावचेत रहने की ज़रूरत है। तो अभी चलते हैं, अभी होटल वोटल कुछ बुक नहीं किया, कुछ पहले खरीदते हैं, खाते हैं, फिर देखते हैं आगे। ये मार्केट है यहाँ पे। हर देश का एक अपना तंत्र होता है, अपना सिस्टम होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है कल्चर। तो भाई केन्या तो काफ़ी महंगा साबित हो रहा है यार। यहाँ पे कोई होटल वोटल सस्ता वस्ता कुछ भी नहीं यार। एक होटल सस्ता दिख रहा है, वो यहाँ से कोई 8 किलोमीटर दूर है सिटी से, फिर क्या काम का। तो अभी हम देखते हैं ये सुपर मार्केट है, इधर क्या मिलता है, फिर हम इधर आसपास ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा फिर 8 किलोमीटर जाते हैं और क्या। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे हूँ, पीछे आप देख सकते हैं गेस्ट हाउस है, नोवेल्टी गेस्ट हाउस। यहाँ पे मैंने पूछा था 1000 रुपये में रूम मिल रहा है, 1000 रुपये यहाँ के मतलब इंडिया के 750, और दूसरी जगह पे पूछा वहाँ 1500 में, तो रूम ठीक ठाक था, लेकिन केन्या थोड़ा महंगा है। तो यहाँ पे अभी अभी मेरे जो दोस्त हैं उनका फ़ोन आया था, नीतीश भाई का, तो वो बोले कि आप रुको वहाँ पे, कुछ व्यवस्था करते हैं। तो शायद नीतीश भाई को इसी को भेज रहे। नो फ्रेंड। तो दोस्तों फिलहाल हम किसुमो सिटी में पहुंच चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमने युगांडा से केन्या में एंटर हो चुके हैं, और इस एंट्री के दौरान $20 घूस भी देनी पड़ी मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर को, वीज़ा होते हुए भी, क्योंकि मेरे पास जो वीज़ा था उसमें मैंने लिखा था कि मैं बाई एयर आऊँगा, लेकिन मैं आ गया था बाई लैंड बॉर्डर। तो इसलिए वो बोले कि तुम बाई एयर आओ, कितना खर्चा होगा, तो मुझे $50 दे दो। भाई किस बात का $50, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके, यार कौन ज़्यादा देर तक लफड़ा करेगा, $20 में मामला निपटा दिया। और उसके बाद मैं बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ भी आ गया हूँ। जिंजा से यहाँ पे आने में 6 घंटे लगे, 3 घंटे उस तरफ और 3 घंटे इस तरफ। कोई बॉर्डर कर आसान कर बॉर्डर पार करना बहुत ही आसान और इजी है। बॉर्डर पे आपको क्या है ना कि बाइक वाले बहुत सारे मिल जाते, वो खड़े ही रहते हैं पकड़ने के लिए, और 50-60 रुपये देते हो तो आपको बॉर्डर क्रॉस करवा ही देगा वो, ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करवा देगा, कुछ भी नहीं करना, आपको सारा जगह ऑफिस वगैरह सब कुछ बता देगा। 100 रुपये दोगे तो आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के बाद बाइक, टैक्सी, पेट्रोल, ATM वगैरह जो भी चाहिए वो भी सब बता देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसी वीडियो में ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो मिलते हैं, बस इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भाई, तभी हमारी गाड़ी आगे चलती रहेगी। जय हिंद।